दिल्ली की आजादपुर मंडी के बाहर हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर पढ़ी हनुमान चालीसा। नुपुर शर्मा के समर्थन में एकजुट हुए हिंदू संगठन आजादपुर मंडी के बाहर हनुमान चालीसा पढ़कर नुपुर शर्मा का किया समर्थन। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे लोगों का कहना है कि नुपुर शर्मा ने वही कहा जो कुरान में लिखा है। इसके बावजूद नुपुर शर्मा पर कार्यवाही की गई। कई लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ छेड़ी मुहिम। भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों ने एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान का भी समर्थन किया। नुपुर शर्मा के समर्थन में आए लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, जो कुछ भी ग्रंथ में लिखा गया है, कुरान में लिखा गया है, वही उन्होंने दोहराया है। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ काफ़ी कुछ गलत किया गया। अब हिंदू ही एकजुट हो रहा है और नुपुर शर्मा के समर्थन में आज आजादपुर मंडी के बाहर बने हुए मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जमकर हिंदुवादी नारे लगाए गए। पूरा इलाका जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद भी कुछ लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन आज आजादपुर मंडी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे लोगों ने यह साफ कर दिया कि नुपुर शर्मा अब इस लड़ाई में अकेली नहीं है। कई हिंदूवादी संगठन और हिंदू लोग भी अब उनके समर्थन में सामने आ गए हैं। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किया है। ये हमारी बहन नुपुर शर्मा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया है, उन्होंने पैगंबर के खिलाफ, उनका ये कहना है कि कुछ बोला है। हालांकि उन्होंने जो भी बोला है वो उनके अपने ग्रंथ में लिखा हुआ था, उनके जो कुरान है उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने जो किया हम अपना समर्थन दे रहे हैं उनको। हमारी तरफ से सब लोग आप देख रहे हैं, सबका समर्थन है उनके बहन नुपुर शर्मा के साथ। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।